इस वक्त की बड़ी खबर है रीवा जिले से, जहां सिमरिया विधानसभा की वार्ड नंबर 4 की जिला पंचायत सदस्य सुंदरिया आदिवासी उनकी सहेली बच्चे के ऊपर घातक हमला हुआ है। उक्त हमला करने वाले कोई और नहीं बल्कि सिरमौर सीओ कांड के मुख्य आरोपी मनीष शुक्ला उर्फ सिद्धू, भाजपा प्रत्याशी केपी त्रिपाठी का भाई नीरू त्रिपाठी और दो अन्य के ऊपर आरोप लगा है। दरअसल सुंदरिया आदिवासी सिमरिया विधानसभा क्षेत्र की आदिवासी नेता है, जो सामान्य सीट से जिला पंचायत सदस्य हैं, जिसे अपने पक्ष में करने के लिए भाजपा प्रत्याशी केपी त्रिपाठी ने पहले दबाव बनाया था। जब वह दबाव में नहीं आई तो उसके ऊपर हमला करवा दिया। ऐसा आरोप कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा और घायल महिला ने लगाया है। दरअसल बुधवार की शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार बंद होने के बाद डोर टू डोर जनसंपर्क कर सुंदरिया आदिवासी अपनी महिला साथी और बच्चों के साथ घर लौट रही थी, तभी विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत बिना नंबर की बुलेरो कार उसकी गाड़ी को ओवरटेक करती है, जिससे उतरे 4 लोगों ने हॉकी डंडे से हमला कर दिया और उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की। महिला नेत्री के साथ जमकर मारपीट की गई। पीड़ित किसी तरह से भागते हुए थाना पहुंचे, जहां आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। घटना की जानकारी लगते ही कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा पहुंचे और धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि बुधवार की सुबह ही आरोपी मनीष शुक्ला उर्फ सिद्धू और अन्य के द्वारा पूर्व सरपंच के ऊपर भी हमला किया गया था, जिनके द्वारा नामजद चौराहा थाना में FIR दर्ज कराई गई है। लेकिन भाजपा प्रत्याशी के दबाव के चलते आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई और शाम तक एक बार फिर आदिवासी महिला नेता के ऊपर प्राणघातक हमला किया गया। दरअसल बताया जाता है कि सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी केपी त्रिपाठी और उनके परिवार के लोगों ने हरदी गांव में भी कांग्रेस जनसंपर्क के दौरान सड़क दुर्घटना होने पर भी अस्पताल जाने से रोका था। उस समय भी सुंदरिया आदिवासी ने गंभीर आरोप लगाए थे। आइए आपको सुनाते हैं सुंदरिया आदिवासी के बेटे चश्मदीद गवाह महिला के साथ सिमरिया विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा को, जिन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। इसके बाद सुनेंगे पुलिस का क्या कहना है। सामने एक फोर व्हीलर आई, उसमें से 4 आदमी उतरे और एक नीरू भैया बोल रहा था और एक सिद्धू भैया बोल रहा था, इधर सुमरिया भैया इधर इधर, ये आदिवासी समाज की नेता है मदर चोद, इसको मारो, ऐसा बोल रहे थे और हमला कर दिए। सरिया लिए थे और हॉकी लिए थे। कितनी संख्या में रहे लोग? वो लोग 4 आदमी थे। मारने वालों में कौन कौन थे? मारने वाले कौन कौन है? चारों का तो नहीं, 2 आदमी को मैं पहचानते हुए कौन कौन, इसको नीरू त्रिपाठी को मैं पहचानता हूँ, कई बार देखा हूँ केपी त्रिपाठी जी के साथ, और ये मनीष शुक्ला जी तो सिद्धू भैया, ये अभी सिरमौर सीओ कांड में भी गए थे आरोपी थे। शिकायत आप लोगों ने की तो क्या अभी वो गिरफ्तार हुए कि नहीं? अभी तो नहीं हुए सर, मार पीट भाई। हम पंच कोठार से प्रचार करके चले जा रहे हैं घर का वापसी, तो एक ठे गाड़ी सफेद सफेद आई तो हमारे गाड़ी के आगे ड्राइवर के माने बेड़ा लगा दीन हिन। अब फिर उतर के 3 जने मारे लागे धीरू मनीष, कहीं की हुआ है आवा धीरू भैया, आवा मनीष भैया, आवा नीरू, हद ही सुंदरिया, हद ही सुंदरिया, इतना कह के हो पीटे लागे और कुछ नहीं पूछी ना छिन, बस मारे लागे हैं एकदम से। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है श्याम कली नट, उर्फ में नाम है गंगे नट, पति का नाम है रामलाल नट। मारपीट क्यों की गई, क्या लगता है आपको? मारपीट ये ऐसा नब केन है न, अब जैसे विपक्ष ही हूँ हम, इनकर अभय भैया के प्रचार करी थे, यही से मारपीट कर रहे हैं और तो कुछ हमारा झगड़ा नहीं रहा, कोनो मामला नहीं रहा, हमार गरीब आदमी के कौन उनसे झंझाटी बताई। कितने लोग के मारपीट करने में? किस 3 लोग रहे, 3 लोग हमारे। अब फिर अधियार में दिखाता नहीं रहा कि कई जाने रहे, सामने तो 3 ही लोग दिखाने आने के बाहर बैठे हैं सर। क्या घटना हुई? गगहरा पंचायत में मैं भाषण दे रहा था, मैंने भाषण क्या दे रहा था कि जनसंपर्क कर रहा था, अपनी बात कह रहा था कि अब 5 बजे के बाद वो बंद हो गया प्रचार माइक वाला, वो वाला डोर टू डोर संपर्क है, डोर टू डोर संपर्क चल रहा था। इतने में खबर आई कि सुंदरिया का के साथ बड़ी घटना घट गई, तो मैं नहीं समझ पाया कि हमला हुआ क्या हुआ, हमें लगा कि एक्सीडेंट हो गया क्या हुआ, ये मालूम पड़ा कि सुंदरिया बहुत सीरियस है, यहाँ कहीं यूनिवर्सिटी के पास लेटी हुई है, गिरी हुई है। तो कुछ लोगों को हमने भेजा, हमने उतना उसको पहले नहीं समझ पाया, वहाँ से खबर आई कि उसके ऊपर हमला हो गया, तुरंत पहुँचिए थाना।
अब ये भी नहीं मालूम पड़ा कि किसने कर दिया क्या कर दिया, तो हम सीधे थाने आ रहे हैं। थाने आए तो ये सामने ये हालत है, गाड़ी टूटी हुई है, ये सुंदरिया के ऊपर ज्यादा चोट है, ये दो महिलाएं इनको मैं नहीं जानता हूँ, उसके बच्चे को मैं जानता हूँ, और क्या बोलते हैं ड्राइवर को भी मैं नहीं जानता हूँ, और एक और कोई है मैं नहीं मालूम। और दूसरी बात, जब मैं यहाँ पर आया तो उसकी हालत देखी, तभी ये मनोज शुक्ला आ गए, इनको भी सवेरे मारा था, इन्होंने हमको फोन किया था कि सिद्धू आके मेरी आंख फोड़ गया, तो हमने कहा कि भाई मेरे पास टाइम नहीं, मैं चुनाव में उलझा हूँ, मनोज भाई प्लीज थाने चले जाओ, मुझे मत परेशान। ये देखिए FIR नामजद है सिद्धू, सिद्धू यहाँ क्या एक बड़ा अपराधी, आप जान रहे CO कांड फलाने कांड रोज सिमरिया में रोज, ये इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो महिला लेटी हुई है, वो उसका बच्चा है, वही घटना बता सकता है सही जो है, और जो गाड़ी में थे मैं तो उसमें था रही। अब आप क्या मांग कर रहे हैं सर थाने के बारे में? हम तो जब तक FIR इस तरह नहीं होगी और गिरफ्तारी नहीं होगी, ये दो नामजद अपराधी, उसने रिपोर्ट लगाया नामजद ऐसे अंदाज में नहीं, जिसको उसके बच्चे ने बताया है वो वहीं का है, कि मैं इनको पहचानता हूँ कि सिद्धू भैया और क्या बोलते हैं नीरू त्रिपाठी, KP त्रिपाठी, सगे भाई नामजद FIR। जब तक ये सामान्य सीट से, देखिए ये DPIP में काम करने वाली एक महिला थी, इसके बाद इसने बहुत अच्छा सिमरिया में काम किया था, ये बहुत लोकप्रिय है वहाँ, आदिवासियों की एक तरफा नेता है, आदिवासी इसको बहुत सम्मान करते हैं, बहुत मानते हैं। तो वहां से चलते चलते ये वहां पर उनकी सेवा करती थी, अभी ये जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव लड़ी सामान्य वार्ड से, जिसमें प्रदीप सगौरा जी लड़े, भाजपा के और भी लड़े, अधिकृत कैंडिडेट लड़े, सब सामान्य वार्ड, ये आदिवासी महिला लड़ी, तो पहले इसको धमकाया गया था ये मुझे मालूम, फिर इसके बच्चों के खिलाफ FIR कराई गई थी, वर्तमान विधायक ने इसको बुला के डराया था, इसके पति को सब कुछ था, लेकिन इसके बाद भी ये चुनाव फॉर्म भरी और अच्छे वोटों से जीत गई अकेले। कोल का वोट सब चाहते हैं, लेकिन कोल को कोई वोट तो देने को तैयार रहे नहीं, और अगर जीत गई तो इतना बड़ा पहाड़ टूट जाता है जिसकी हद नहीं, तब भी वो हमारे, चूंकि हमारे साथ कांग्रेस पार्टी भी है, हमारा प्रचार कर रही थी, 5 बजे प्रचार बंद हो गया, ये 3-4 दिन से उसको धमका रहे थे, बीच बीच में वो बताती थी कि भैया कुछ गड़बड़ तो न हुई, तो हमने कहा हो गया इनके मुंह बस है, हम इसको सीरियस इतना नहीं लिए। अभी लगता है कि जिस तरीके से सीधी में पिछले दिनों एक मामला आया था आदिवासी समाज के साथ, उस तरीके की पुनरावृत्ति भी हो सकती है क्या? ये मुख्यमंत्री केवल एक्टिंग करते हैं, मुख्यमंत्री की धारणा आदिवासी के साथ बिल्कुल अच्छी नहीं है, मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ, मैं वहां रह चुका हूँ, ये केवल आदिवासी को जैसे मुर्गा को नहीं मानते हैं, बकरा मुर्गा पालो और इसको उसके लिए भोजन के लिए है, इसी तरह इनकी नजरों में आदिवासी केवल वोट के लिए, और आदिवासी अगर कहीं पर स्टैंड होता है तो इनको बहुत वो लगता है, ये केवल एक बड़ी माने क्या कहना चाहिए, योजनाबद्ध तरीके से पूर्वाग्रह की राजनीति कर रहे हैं, आदिवासी का ये वोट लेना चाहते हैं, और आदिवासी पे इनके टाइम में सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, और इस पूरे अत्याचार के पीछे शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी का संरक्षण है, है, है मुझे मालूम, बाद में वो एक्टिंग करते हैं वो अलग बात। आपका अगला कदम कब तक यहाँ बैठेंगे? जब तक इसके खिलाफ FIR हो करके उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी तब तक सिमरिया यही चुनाव लड़ेगा, यही बैठ यही रहेंगे, जाएंगे नहीं। कौन है कहाँ रहने वाली इनके साथ मारपीट? ये मझियार की रहने वाली है, सुंदरिया नाम है, उनके साथ दो अन्य महिलाएं। थैंक यू मैम। देखा और सुना आपने किस तरह से दलित आदिवासियों का शोषण जारी है, वोट लेने के लिए आदिवासियों की हितैषी बनने वाली पार्टी चुनाव जीतने के लिए उनकी जान के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस हत्या के प्रयास जैसे अपराधी के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है या नहीं।